हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि 6 महीने में 3 तलाक पर एक कानून बनाए। इस मामले में हमने जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पड़ताल किया तो मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सराहा है, साथ ही धर्म गुरु और वकीलों ने भी सराहा है इस फैसले को। तलाक का फैसला है जी, उससे सहमत है, लेकिन जो शरीयत में हमारे से वो अलग चीज़ है, बोलना चाहिए। और जो कोर्ट है मतलब कानून, वो अपना अलग तरह से इसको देखे, उसको मतलब शरीयत से ना मिले। महिलाएँ बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित हैं, तो इससे उनको सहारा मिलेगा। हम लोग शरीयत में जो है कि 3 तलाक अगर दे दिया किसी ने तो 3 तलाक हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग जो वो महिलाओं का शोषण करते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कानून बना रही है कि महिलाओं के शोषण जो है वो कम हो जाए तो ये चीज़ ठीक रहेगी, लेकिन शरीयत में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ वो ज़्यादा ठीक नहीं है। और लोगों से हम कहते भी थे कि इस पर सियासत न की जाए, और जाहिर है कि जो भी फैसला करेगी वो सारे दस्तावेज को देख कर, हकीकत को देख कर, हालात को देखी करके फैसला करेंगे, और कोर्ट के फैसले पर तो किसी को इतराज नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बात हो तो उसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, काफ़ी विलम्ब से आया, बहुत पहले आ जाना चाहिए। जो किसी भी राष्ट्र में जब पढ़ाया जाता है, कक्षा 8 के बच्चे को भी तो कहा जाता है कि राष्ट्र के में जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, हिंदू विवाह अलग होगा और मुस्लिम विवाह अलग चलेगा। एक राष्ट्र हो तो एक ही संविधान रन करना चाहिए। ये फैसला स्वागत योग्य है, इसे और जल्दी आना चाहिए, और इस पर जो है जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि 3 तलाक पर एक कानून बने ताकि महिलाओं का शोषण न हो।